हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद राम मैम चैनल आज जो हम सेशन लेके आए आएँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बता दें कि जैसा आठ अप्रैल को आपको पता है अध्यक्ष अपना पद छोड़ रहे हैं या कहें कि अध्यक्ष का अपना कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उस जगह देखिए हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि ये एग्जाम अब जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो भी नया अध्यक्ष आएगा देखिए सबसे पहले पद कौन सा है अध्यक्ष है ना कि किसी फैमिली मेम्बर्स जो पद रिक्त बना रहेगा देखिए कोई भी पद अगर खाली होता है आपने देखा कि वेकेंसी भी कब आती है या वहाँ पे क्या होता है मांग होती है कि हमें यहाँ पे टीचर चाहिए यहाँ पे टीचर कम है खुद सर्वे करा जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे देखा जाता है फिर वेकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो इसी तरह ये किसी फैमिली मेम्बर का जाना नहीं है ये अध्यक्ष का जाना है तो जब अध्यक्ष चले जाएंगे तो संस्थान को उस आयोग को चलाएगा कौन तो इस वजह से जैसे ही कोई नया अध्यक्ष आएंगे यानी कोई भी नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो बेसिकली वो उस पद की गरमा को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी यानी जितने भी पेंडिंग के काम हैं पहले उन्हें ख़त्म करेंगे लेकिन जितने भी पेंडिंग के काम उनके पास पड़े होंगे वो उन्हें ख़त्म करेंगे तो आपको पता है कि ये वाला जो काम है वो पेंडिंग का है तो आते ही वो सबसे पहले अपने पेंडिंग के कामों को ख़त्म करेंगे तो पेंडिंग के काम ख़त्म करने का मतलब है कि टी जी टी पी जी टी का जो नोटिफिकेशन है दो हज़ार इक्कीस का इसका एग्जाम कराएंगे तो आप मान के चलिए कि ये एग्जाम आपका चुनाव आए चुनाव के कहें कि आचार संहिता या कहें कि आचार संहिता लगने से पहले यूपी में या फिर कहें क्योंकि केंद्र में होनी है तो आचार संहिता पहले से लग जाएगी तो आचार संहिता के लगने से पहले ये एग्जाम हो जाएगा तो मे तो भी तो आप कभी भी आयोग से ये नहीं कह सकते कि हमें पहले से नहीं बताया क्योंकि हम लोगों ने डिमांड रखी थी कि साठ दिन पहले हमें बताया जाए जैसे सपोज आई एस में होता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उससे पहले ही उनके एग्जाम का कैलेंडर आ जाता है कि ये एग्ज़ाम आज है ये एग्ज़ाम आज है जैसे सपोज दैट पी का चौदह मई को है तो इस तरह से बट यहाँ पर ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता है और ये सडनली आपको एग्ज़ाम डेट दे देता है आप जिसकी तैयारी लैक ऑफ द प्रिपरेशन कम होती है वो पिछड़ जाते हैं या कहेंगे दो से पांच नंबर उन्हीं के रह जाते हैं जिनकी प्रिपरेशन कम होती है ठीक है जो पहले से तैयार होते हैं वो तो मे भी इसमें हो जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आए उनकी तैयारी पहले से होती है तो वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते तो आप लोग भी नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करिए क्योंकि अगर आपको सीट चाहिए तो आप अपनी सीट पर फोकस करिए ना कि नोटिफिकेशन के इंतजार पर ठीक है क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो उन्होंने कहीं पर भी लिखित में ये नहीं कहा कि हम साठ दिन पहले आपको बता देंगे एग्ज़ाम होने से सडनली वो नोटिस निकालेंगे और सडनली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप कितने तैयार हैं इस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा या इस पर कहीं नहीं देगा कि आप अदर एग्जामों में बिजी हैं या आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इसलिए आप लगे रहिए लगातार देखिए यहाँ पे सा, साइंस के जो एम सी टाइप क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसकी जो पी आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल होती है और तो इसलिए आप क्या करें कि वो जरूर देखते रहिएगा क्योंकि उससे होगा क्या कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों पर आधारित है तो इसलिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है तो आपको यही बताना था कि जो ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि आ, मतलब एग्जाम जल्दी नहीं होगा तो उनको बता दें कि अध्यक्ष का पद है ये रिक्त नहीं रह सकता कोई भी अध्यक्ष आएगा तो वो फालतू नहीं बैठ सकता वो कार्य कर कार्य करेगा यानी अपने जितनी उसकी पावर है उस पावर को गरिमा में ध्यान में में के कार्य करेगा तो जितने भी निलंबित कार्य हैं या कहें जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उनको वो पहले निपटाएगा और वो हर मतलब हर सदस्य यही करता है कि वो जिस पद पर आया है उस पद पर जितने पेंडिंग के काम होते हैं पहले वो उन्हें निपटाता है फिर देन उसके बाद अपना कोई न्यू काम भी ऐसा करके जाता है जिससे कि क्या हो कि आने वाले टाइम पर उनको याद करा जाए कि उनका इस तरह का था तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बताना था आप लोगों को तो आज के सेशन में बस इतना ही नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद बंते मातरम जय हिंद